नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे कि किसी भी बाइक में अगर आपको एवरेज मेंटेन रखना है, सही रखनी है, अच्छी रखनी है और चाहते हैं कि फ्यूचर में एवरेज बढ़ सके, तो उसके लिए क्या टिप होगी, तो उसके बारे में आज हम थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहला मैं आपको तीन चार ऐसी टिप्स दूंगा कि जिससे आपकी जो एवरेज है वो मेंटेन रहे, अच्छी रहे, बढ़िया रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे जो है दोस्तों इंजन ऑयल, ये सर आपको क्या करना है कि इंजन जो ऑयल है, इंजन ऑयल है, उसको सही समय पे और सही तरीके से आपको बदलवा लेना है। दोस्तों आप अपनी कंपनी से इंक्वायरी कर लीजिएगा कि हमें कितने किलोमीटर से ऑयल बदलवाना होता है। इसमें 500 या 600 है, मैं एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, पर दोस्तों आप इंटरनेट से भी चेक कर सकते हैं। शायद दोस्तों 500-600 किलोमीटर से आपको ऑयल चेंज करवाना होता है, ये मेरा मानना है। तो दोस्तों ऑयल सही समय पे और सही तरीके से चेंज करवा लीजिएगा ताकि आपकी जो एवरेज है वो अच्छी तरीके से मेंटेन रहे। दोस्तों ये आपको बात खास ध्यान रखनी है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर स्पीडोमीटर की ओर आता हूँ और यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे कंपनी ने लिखा है इकोनॉमी, और इकोनॉमी में जो स्पीड है वो 30, 40 और 50 की है। तो दोस्तों आपको ये बात है वो खास ध्यान रखनी है कि आपकी जो सुई है वो इकोनॉमी में ही टिकी रहे, ठीक है। आप कोशिश कीजिए कि आप इकोनॉमी में ही चलाएं, यानी कि 30, 40 और 50 की स्पीड में ही चलाएं ताकि आपकी जो एवरेज है वो काफ़ी सही तरीके से टिकी रहे और इन फ्यूचर में बढ़ भी सकती है। और दोस्तों तीसरी जो पॉइंट है मैं उसको मानता हूँ कि जो आपका लीवर है दोस्तों, अगर आपको 30 की स्पीड से चलना है तो आपको बेसिकली लीवर जो है वो अपना इतना रखना होता है। तो दोस्तों कोशिश रहे कि लीवर जो है वो एक पोजीशन पे ही टिका रहे, बार बार उसको मूवमेंट मत कीजिएगा या ऐसा 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 मत कीजिएगा, कोशिश रहे कि एक ही पोजीशन पे लीवर टिका रहे ताकि आपकी जो एवरेज है वो बढ़िया मेंटेन हो सके। दोस्तों ये बात हुई तीसरी। अब मैं चौथी बात पे आता हूँ। तो दोस्तों जो आपके टायर होते हैं दोनों, दोस्तों उसमें जो आपका एयर होता है वो भी आपको ध्यान रखना है कि मेंटेन रहे, सही रहे। दोस्तों अगर आपका जो एयर है, इसमें जो हवा होती है वो अगर सही नहीं होती है तो दोस्तों गाड़ी के इंजन को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है उसको इसको खींचने में। तो दोस्तों ये आपको बात खास ध्यान रखनी है कि जो आपका एयर है वो मेंटेन रहे अच्छी तरीके से। आप महीने में एक दो बार चेक करवा लीजिए कि इसमें कितनी एयर है, और कम है तो आप बढ़ा सकते हैं इसको। ये बात हो गई चौथी दोस्तों। तो दोस्तों यही कुछ बात है। और दोस्तों मैं ऐसा मानता हूँ कि आप इस बाइक को या फिर कोई भी बाइक को धूप वगैरह में बहुत मत छोड़िएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अगर आप छोड़ दोगे तो ये तात्कालिक से ये ऐसा एवरेज कम होने लगेगी। आप कोशिश कीजिए कि धूप में बहुत बाइक ना रहें, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि अगर ये बाइक धूप में रहेगी तो ये दोस्तों थोड़ा बहुत इसमें गर्मी रहेगी, और गर्मी लगने के कारण शायद बाष्पीभवन भी हो सकता है, यानी कि आपका जो पेट्रोल है वो उड़ने की भी कोशिश कर सकता है। दोस्तों ये बात आपको खास ध्यान रखनी है। दूसरा ये दोस्तों कि जो गियर होता है और लीवर, आपकी जो स्पीड होती है उस पर मेंटेन रहे, यानी कि दोस्तों अगर दूसरा गियर है और आप 40 तक जा रहे हैं तो ये दोस्तों ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि दूसरा गियर है और अगर आप 40 तक जा रहे हैं तो आपके इंजन को ज़्यादा ताकत लगानी होती है। अगर ज़्यादा ताकत लगानी होती है तो दोस्तों ये जो इंजन के जो पूरा बॉडी होता है उसके खिलाफ है। दोस्तों ये आपको बात खास ध्यान रखनी है, गियर और स्पीड में तालमेल रहे दोस्तों। तो यही कुछ टिप्स है जो मैं आपको बताना चाहता था, और एक दो बंदे के कमेंट्स भी आए थे कि एवरेज को सही रखने में क्या करना चाहिए और ये कितनी एवरेज देता है। तो दोस्तों मेरा मानना ऐसा है ये 65-70 की एवरेज दे देता है होंडा सिटी 110। तो दोस्तों अच्छी गाड़ी है और एवरेज के मामले में भी अच्छी है, पर मैं कई वीडियो में कह चुका हूँ कि एवरेज को सही रखने के लिए हमें क्या करना होता है कि आपकी बाइक की जो ड्राइविंग है
वो कितनी अच्छी है दोस्तों। यानी कि अगर आप मतलब कि रफली चलाते हैं, रफली को गियर को यूज़ करते हैं और रफली स्पीड पे जा रहे हैं, तो दोस्तों बेसिकली जो आपकी एवरेज है वो कम ही आएगी। आप कोशिश करें कि आप इकोनॉमी में चले ताकि आपकी एवरेज जो है वो सही मेंटेन हो सके। तो दोस्तों यही कुछ टिप्स मैंने आपको बताई है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आपकी बाइक और आप दोनों ही सही रहे। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए अब मैं अपना वीडियो का एंड करता हूँ। दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।